अरे ये तो पोल खोल रही चिल्ला इतने खुश रहा करो, बोला था ना खुश रहा करो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन नमस्ते। देश तथा विदेश विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा मेरो यस युट्युब च्यानलमा मनैबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै महान चाड प्रदर्शनी 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै तिहार र छठको पनि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै साथीहरू यहाँ सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। साथै म पनि सन्चै छु र सदा जस्तै आज फेरि पनि म अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरूसम्म बसिरहेको छु र यहाँहरूले आफ्नो मनको धारणा कमेन्ट बक्समा सजिलोसँग व्यक्त गर्न सक्नु हुनेछ र यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ यसको लागि यहाँलाई मनैदेखि कमेन्टको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके हेलो 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 स्टिल नॉट वेल सुरेश लामा ब्रो गेट वेल सून। ओके हाय रेस्ट करो रेस्ट बहुत कर लिया रेस्ट मौसमै चिसो छ ठन्डी छ के गर्नु राति झन्सार चिसो एयरफोन लाइक दिस आवाज आइरहेको छैन क्लियरली ओ माइ गॉड के हो खतरा लागिरहेछ त हौ अलियाजीले त त्यो हाम्रो सेम सेम झुन्ड्याउने ड्रेस ड्रेस अल्सो सेम सेम त्यो हाम्रो पसलमा त्यो झुट खालको के साउन्ड नै राम्रो हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं एयरपोर्ट जा रहे हैं एयरपोर्ट अभी साउंड ठीक नहीं अभी क्या अभी एयरपोर्ट जा रहे हो एयरपोर्ट चलो आज तुम हाँ आज तुम लाइव पे उड़ो सब लोग आपको सेफ जर्नी के सब लोग सेफ जर्नी कहो नहीं जा रहे हो क्या बोलती है यार जाना जा रही हो क्या नहीं जा रहे हो दुबई में रह रहे हो खासे गर्मी तो बहुत गर्मी है ना उधर दुबई में बहुत अक्टोबर खासै गर्मी नहुनु पर्ने डिसेम्बर जाडो महिना हो ट्याक्सी नै मिल्दैन क्या कतै बाहिर घुम्न निस्केको जस्तो छ अलिया अन्दर आ गए ट्याक्सी के अन्दर
हाँजी यो बीचको अलिकति मैले स्किप हान्दै हो क्या, बिचमा अलिकति उठ्यो नि त। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। बोलो। हेलो मिसी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे पास एक ही शर्ट है? चीटिंग करके पहन के आया है, एक ही शर्ट है तुम्हारे पास? और भी है। पहन के कभी ये पहन तो और कोई नहीं है तुम्हारे पास? और भी है। खाना करो ना। अच्छा चेंज किया करो, नहीं लेके जाओगे तो ऐसे होगा। हाँ देखो तुम्हारी शर्ट है, पहन के बैठी है। यार ये तो ना बोलो लाइफ में यार। आती तो है, इतनी तो खुली है, क्यों नहीं आती मुझे? तुम तो कुछ भी नहीं लेके गए, तुम कुछ स्वीट भी नहीं लेके गए, तुम कुछ कपड़े भी नहीं लेके गए अपने, स्वीट भी नहीं लेके गए। मैंने आऊंगा ना, मैंने उसको कहा है मिलन दाई को छोड़ दूं मैं। क्या मिलन दाई को दे दूं? मिलन दाई को दे दे। हाँ, वो कार्गो करेगा। कार्गो करेगा? हाँ। तो हम अपने पाकिस्तान से तुम्हें कार्गो नहीं कर सकते भेज? नहीं नहीं, वो किसी आदमी को भेज सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, कोई आदमी को भेज सकते हैं। नहीं तो खुद तुम्हें आदमी रहा क्या मतलब है? नहीं थोड़ा चलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। ओके ओके। एंड मैं भी सही फील कर रही हूं। इतने दुखी गाने आज, इतने दुखी गाने। आप भी दुखी लग रहे हैं ना? दुखी क्यों? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस खुश हैं। जिंदगी में ना अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि कोई लोग कितने दुखी हैं। किसको कोई बीमारी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है। अल्लाह ने ठीक बनाया है, सब कुछ दिया है, शक्ल सूरत है, सब कुछ है, पैसा है, क्या चाहिए? और क्यों दुखी हो? अपने से नीचे वाले लोगों को देखो जो दुखी हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, वो भी तो दुनिया में जी रहे हैं ना। तो जो परेशानियां जिंदगी में आती रहती हैं, इनको दफा करो, खुश रहा करो। जिंदगी में बहुत सारी टेंशन ऐसी आती है कि जब बंदे का दिल करता है कि बंदा बस कुछ कर ले, लेकिन बंदा उनको सोचे, उनके लिए सोचे कि जो लोग जी रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी जी रहे हैं। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोग अब परेशानियों को बुलाते हैं, आओ परेशानी हो हमें खाओ खा लो। तो जीना सीखो, परेशानियों को एक्साइट भी करके वो भी जिंदगी के साथ साथ चलेंगी, खुशियां भी होंगी परेशानियां भी होंगी, तो सब चीजों के साथ मिला के चलो। ओके अम्मा जी, खुश रहा करो। हाँ खुश है, खुश रहा करो, ये सोचे करो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं। ठीक है, डांट रही है। अफकोर्स साथीहरू, मम्मीजीको कुराले चाहिँ मलाई रियली टच मी है। मान्छेमा हरेक किसिमको दुःख हुन्छ होइन, दुःख आउँछ, कहिले काहीँ कहिले काम नभन्दाखेरि दुःख मान्छेले लाग्छ, कहिले काहीँ के सोचेको हुन्छ, के भइरहेको हुन्छ, त्यसमा दुःख हुन्छ। हामीले चाहिँ होइन, जीवन भनेको एकपटक पाउने कुरा हो नि त, त्यस कारणले गर्दामा कहिले पनि त्यो दुःख पर्दाखेरिमा पनि हुन्छ नि, काम नहुँदाखेरिमा पनि त्यो दुःख हुनु पर्दैन होइन। अरूलाई पनि हेरेर सिक्नुपर्छ र सधैँ ह्याप्पी हुन सिकौँ र ह्याप्पी हुँ भन्ने कुरा हो। सो नाउ लेट्स टु बी कन्टिन्यु। तुम लोग के दिख रहा ब्रेकअप हो जाए 10 दिन ऊपर मुंह नहीं करते हो है ना? मान की बारी आ गई, अब आपकी क्लास खत्म।
फिर कहते हैं हमें छोड़ दिया भाई, दुनिया में कितनी लड़कियां हैं वो छोड़ गई किसी मजबूरी से, उसको छोड़ दो और आ जाएगी, फिर उसी के पीछे पड़े रहते हो। वो कोई तुमने खुद ने पैदा की थी, तुम्हारी अपनी थी, पैसे भरे थे तुमने, मेरी फलानी मेरी फलानी। और यार बस करो, क्या हो गया तुम्हें? वो लड़कियों के पीछे रोते हैं, मुंह कपड़े में मुंह डाल के रो रहे होते हैं। उसकी कोई अपनी मजबूरी होगी, चली गई, जो तुम्हारे नसीब में आ जाएगी। बस करो तुम लोग, जिंदगी में कुछ करो, अपना नाम बनाओ, हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। हैं, एक के पीछे तुम लोग रोते हो, इतने किसी के काबिल तो बनो। रोने धोने वाले लड़के तो कौन शादी करेगी? अपने मन की हो रही है, वैसे हम वैसे सुन रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ बनाऊं तो सही, कौन सा करेगा? हां हां करेंगे। बेचारे पत्र आया। क्या तो मेरी तो जिंदगी बहुत थी, और क्या से लानत भेज रही ऐसी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी ऐसी थी तो छोड़ के चली गई। लानत समझते हम मान का। और जिंदगी में ना सबके साथ ऐसे होता है, ये नहीं है कि तुम लोगों के पास जब ये उम्र होती है सबके साथ ऐसे होता है। इसका ब्रेकअप हुआ है अभी। लेकिन ये चीजें जो है ना छोड़ के फिर आगे जिंदगी के साथ चलना चाहिए, वहीं पे बैठना नहीं चाहिए। बैठ जाओगे तो बाकी लोग तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। ठीक है, जो चीज नसीब में नहीं है उसको छोड़ दो। अल्लाह मियां जो लेता है ना, अगर बेहतर लेता है ना, उससे बेहतरीन देता है आप लोगों को, इसलिए लेता है। तो जो चीज नहीं है उसके पीछे रोने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चिल करो, लाइफ को एंजॉय करो, शुक्र करो अल्लाह मियां ने तुम लोगों को ऐसा पैदा किया। अल्लाह मियां कुछ और बना देता फिर क्या करते? चूंटी बना देते, बिल्ली बना देते, डॉग बना देते, कुछ भी बना देते, फिर क्या करते? ना बोल सकते ना कुछ करते। अल्लाह मियां ने तुम लोगों को बहुत अच्छा बनाया, शुक्र किया करो। ठीक है, चिल करो, मत रोया करो, रोने वाले गाने। हाँ, जब जब कोई लड़कियां आती हैं फिर तो तुम्हारी एक खुल जाते हैं, डांस पूरे बतीसी की बतीसी नजर आ रही होती है। फिर तो लड़कियों को कहते हैं हाय तुम मेरे साथ ये हो जाओगी, मैं तुम मेरा गाना सुनोगी, फंस जाओगी मेरे साथ, तो बड़े खुश हो। अरे ये तो पोल खोल रही है। खुश रहा करो, बोला था ना खुश रहा करो। खुश खुश वाला गाना सुनना था, खुश एंजॉय फील इन लाइफ। मन कहता वो मेरी जिंदगी थी, मम्मा ने कहा आग लगाओ ऐसी जिंदगी थी। है ऐसा नहीं कहते, वेरी सैड, गजब बेइज्जती है ये तो। लड़के ना सारी जिंदगी कमाते हैं, पहले अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाते हैं, फिर अपनी बीवी को खिलाते हैं, फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं। लड़कों का तो काम ही यही है, लड़कियां छील करती हैं, खाती हैं, लड़के कमाते हैं, लड़कियां खाती हैं, और लड़के रोने बैठ जाते हैं। भाई जब तुम्हारे नसीब में ही कमाना है तो कमाओ, खुश होके कमाओ, रो के भी कमाना, हंस के कमाना। पहले अपने माँ बाप को खिलाना, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को, फिर अपनी बीवी को, फिर अपने बच्चों को, सारी जिंदगी तुम लोगों ने कमाना है, तुम्हारे नसीब में कमाना है, तो खुश होके कमाओ, रो के क्यों कमाते हो? तुम लोग ने नहीं खाना, तुम्हारे नसीब में खुशियां नहीं है, चुप करो। नहीं नहीं, खुश होके कमाओ, खुश होके लुटाओ, खुशियां ढूंढनी पड़ती है। अपनी बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, खुश होके, खुश होके। तुम्हारे नसीब में है कमाना, लड़को सब लड़को ये सब लड़कों के लिए था। ओके, नो वन वाज ऑप्शन है, नो वन वाज हार्म्ड इन दिस वीडियो। ओके, माँ बाप के घर भी फ्री खाती हैं, आगे हस्बैंड के घर भी फ्री खाती हैं, फ्री सब कुछ उनके घर में, फ्री कोई टेंशन नहीं है। लड़की ये तो धोती खोल रहे चलो यहाँ से। साथीहरु कस्तो लागिरहेछ मम्मीको कुरा, कमेन्टमा कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है। यहाँलाई एकदमै यहाँलाई म रिक्वेस्ट गरेँ, हम्बल रिक्वेस्ट टु कमेन्ट मम्मीको लागि। चिल करो, जाओ अपनी फ्यामिली को, अपनी माँ को, बहनों को, भाइयों को, सब लोगों को जाके बाहर खाने खिलाओ, चिल करो, मजे करो। ठीक है, अपनी मम्मा को अच्छी अच्छी चीजें देके दो, मम्मा खुश हो जाएगी। सर न पकड़ो, माँ के लिए तो सारे बच्चे सर पकड़ लेते, माँ को कुछ लेके देना ना, इनको पता नहीं क्या हो जाता है। माँ उधर है गाँव पे, इधर भी है, कहीं जाओ ना,
गांव में चले जाओ, जहाँ भी इधर जो इधर है तुम्हारे बहन भाई हैं, जो भी फैमिली है उसको बाहर लेके जाओ, एंजॉय करो, अपनों के साथ बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, अकेले रहने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ये भी घुसी रहती थी कमरे में, जब भी देखो घुसी पड़ी है, रो रही है। अब जब से यहाँ ये बाहर निकली है ठीक हो गई है, ये खाना शाना खाती है, सोती है, नींद पूरी करती है। और जब अकेली रूम में रहती थी, मैं गांव चली जाती थी, ये सारा सारा दुखा से रात भी बैठ के बैठी रहती, दिन में बैठ रहती, मेरे इंसान है उल्लू है, जागती है दिन भी रात भी, क्या करती रहती है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करी, आप लोग बोलना मत, की आवाज नहीं आ रही। अपनी मम्मा के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके जाओ, अच्छी अच्छी चीजें अपने बहन भाइयों के लिए, उनको खाने खिलाओ, करो। ठीक है, चिल करो, चिल करो, अपनी माँ के लिए जितना कुछ भी करोगे ना, तो वो बहुत जाया देगा। हिम्मत किया करो अपनी मम्मा की, कभी जाया करो अपनी माँ के पाँव दबाया करो, कभी उसके लिए कुछ चीजें ले जाया करो। मम्मा तो जबरदस्ती दबाती है हमसे, नलायक को ला देना, जाके अपनी माँ की खिदमत किया करो। एक दिन कभी दो दिन अपनी मम्मा के लिए, मम्मा के लिए पूरे दो दिन अपनी मम्मा के लिए सर्व किया करो, मम्मा के लिए अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, ये खिदमत किया करो, पाँव दबाया करो। ठीक है, उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो किसी चीज में नहीं मिलती, बीवियों के पाँव दबाने से खुशी नहीं मिलती, माँ के पाँव दबाने से मिलती है। समझ आइए, उधर क्या देख रहे हो, बैठे करिए। थैंक यू, आपके लिए थी ग्लासेस, सॉरी मम्मा के लिए ग्लासेस आई थी मैंने। जा रहे हो, जाना पड़ेगा, चिल करो, चिल करो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, अजय देवगन बने हुए। अरे उसके बाद ज्यादा नहीं है, मेरी मम्मा कहती थी, मेरी मम्मा जी फिल्म देखती थी, मम्मा कहती थी इसके मुंह में 32 नहीं, इसके मुंह में पता नहीं 64 दांत है, ये हंसता है, इसके मुंह में दांत ही दांत नजर आते हैं। मेरे ठीक है, हमारे बाल अजय देवगन जैसे हैं, इसके बाल मैंने कभी इसके बाल नहीं देखे हैं, तो सही बेचारे के बाल अजय देवगन जैसे बाल, हाँ देख, हाँ ऐसे किया करते। सही करो, खुश रहो, खुश रहा करो, परेशान नहीं हुआ करो, लड़कियां ही आती जाती रहती हैं, चुप करो। हाँ एंजॉय करो, बाय बाय, मैं एंजॉय बंद करी हूँ, मैं वही तो उधर एंजॉय करो, क्या उधर एंजॉय करो, उधर उधर दुबई मॉल पे एंजॉय करो, तुम भी उधर एंजॉय करो, तुम एंजॉय करो, सब एंजॉय करो। ओके साथीहरु, भिडियो सकियो, यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिएर हेरिदिनु भएकोमा यो सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र साथै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको समय सधैँ व्यस्त स्वस्थ र सधैँ चाहिँ सुखद बिटो शुभ रहोस् भन्दै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासँगै आज म बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई, सी यू।